ठीक है, बहुत बढ़िया. सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलीनोमियल्स. टेंशन मत लीजिए, डरना नहीं है, इंग्लिश में नहीं चलेगा लेक्चर, ठीक है, हिंदी में ही चलने वाला है. सो बहुत मज़ा आएगा इस सेशन में. पॉलीनोमियल हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जैसा आप देख सकते हैं पॉलीनोमियल में, और ये भूल जाइए आप जो जो जहाँ यहाँ पर जो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को, तो वो ध्यान दें, भूल जाएं कि रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है, भूल जाओ इन दर्शकों को, हमें तो अपना ध्यान देना. नाउ पॉली, पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी मोर, बहुत सारी, ठीक है. नॉमियल्स मीन्स टर्म्स, यहाँ पर बात हो रही है टर्म्स की, तो मैनी मोर टर्म्स. तो एक पॉलीनोमियल जो बनेगा उसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, ठीक है. सो दो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम फैमिलियर हैं पहले से, एक होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक होता है पॉलीनोमियल. ये दोनों वर्ड आपने सुने होंगे, सुने कि नहीं, ऑनलाइन वाले कमेंट में बताएं, ठीक है. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल, तो ये दो वर्ड्स, इन दोनों से आप फैमिलियर होंगे. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वन विच इज़ मेड अप ऑफ, किससे बनेगा ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल. अब आते हैं पॉलीनोमियल पे, इसमें भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट और क्या क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है, बहुत बढ़िया. सो अब दोनों में ही कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए पहले तो समझते हैं कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती हो, ठीक है, डो नॉट चेंज इट्स वैल्यू. फाइव क्या है, कॉन्स्टेंट है. पाई क्या है, कॉन्स्टेंट है, फिक्स वैल्यू है इसकी 3.14 या 22/7. 22/7 को भी सॉल्व करोगे 3.14 ही आएगा. सो दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स हो, कभी चेंज ना हो. वेरिएबल, वेरिएबल इस शब्द में ही है, एबल टू वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, एबल का मतलब होता है कैपेबल, तो जो चेंज होने में कैपेबल हो वो वेरिएबल है, ठीक है. जितने भी लिटरल्स हो गए एक्स वाई जेड, ये सब हो गए हमारे वेरिएबल. तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. कैसे, और कंबाइन कैसे करोगे, जब आप इनको कंबाइन करोगे तो यही साइन तो यूज़ करोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, इन्हीं से आप इनको क्या करोगे, सेपरेट आउट करोगे. फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिखा 5x², फिर दूसरा सेपरेट आउट करना है 3x, तो बीच में कोई ना कोई साइन लगाओगे, आइदर प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. माइनस, अब अगर मान लो कुछ और है 4y, इस तरीके से हमें ये दे रखा है. तो प्लस और माइनस से ही क्या होते हैं, दो सेपरेट होते हैं. क्या सेपरेट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स. ये इसका एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया. सो देर आर थ्री टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. वेरी गुड. व्हाट इज द डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल? डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल. डिग्री, 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 डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, समझ में आ रहा है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल. अच्छा बताओ इसमें डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री कितनी है बताओ, 4, कंफ्यूज किया मैंने और हो गई. 14 इज व्हाट, अ कांस्टेंट, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स की पावर कितनी है, 2, तो डिग्री इसकी 2 होगी, ठीक है. मज़ा आया जो मैं कर रहा था, वो हो गया ना, हाँ, वेरी गुड. जैसी फील्डिंग सेट की थी वैसे ही वहीं पर ही बिल्कुल शॉर्ट खेला और आसान कैच. सो ये आपके समझ में आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा है. अभी भी मैंने आपको एक चीज़ क्लियर नहीं की है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल में डिफरेंस क्या, ठीक है. तो जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव भी हो सकती है. द पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज पॉसिबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, द पावर ऑफ वेरिएबल विल बी नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी पॉसिबल है, अगर अपने से कोई पूछे ना x की पावर -1/2 + 4x², क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है. क्यों है, पावर माइनस में भी हो चलेगा, बस हमें क्या ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. पॉलीनोमियल में ऐसा होता है नहीं, पॉलीनोमियल में ऐसा नहीं होता है. जब ऐसा नहीं होता है तो फिर कैसा होता है, ठीक है.
व्हाट मींस विच रूल्स वी विल फॉलो, पॉलिनोमियल में क्या होगा, जो वेरिएबल की जो पावर होगी, जो पावर ऑफ वेरिएबल होगी, दैट विल बी अ पावर ऑफ वेरिएबल विल बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। एक पॉलिनोमियल के केस में वेरिएबल की पावर क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वेरिएबल की पावर क्या हो, नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब पॉजिटिव ही होगी इन शॉर्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे 5x² - 3x, क्या ये पॉलिनोमियल है? है। क्या ये पॉलिनोमियल है 5 / x² + 3x? नो, बिकॉज पावर जब ऊपर शिफ्ट होगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी तो पॉलिनोमियल बनता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, कहानी से ये शिक्षा मिली कि हर पॉलिनोमियल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये पॉलिनोमियल भी है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पर हर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, डस्टर पकड़ाओ। वेरी गुड। कौन कौन इसको अपने क्लासमेट को शेयर करेगा? चार जो बैठे हुए हैं इनमें से, बेटा एक काम करना, वो रखा होगा, वो पकड़ा दो। क्या? थैंक यू। यस, सो पॉलिनोमियल की हमने डेफिनेशन आपको क्लियर कर दी, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या समझ में आया? द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट विल फॉर्म अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें बहुत सारे टर्म हो, पॉलिनोमियल बनता है। अपना डिग्री जो होती है, डिग्री की डेफिनेशन क्या बताई थी? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पर ही हम पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1, कितनी है डिग्री 1, तो डिग्री 1 वाले को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 1, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर डिग्री है 2, कितनी है डिग्री 2, तो डिग्री 2 वाले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको, लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे मान लो अगर एक पॉलिनोमियल है 3x - 4, तो यहाँ ऐसा, इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इसकी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, इसका ग्राफ बनाओगे, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लाइन मिलेगी, तो लाइन वाला पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री 2 वाले को कहते हैं, क्वाड्रा मिलता है इससे। ठीक है, डिग्री 3 वाला कौन सा होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 वाला कौन सा होता है, कौन सा होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे आगे क्या होंगे, इससे आगे क्या होंगे? इससे आगे केवल जनरल नेम है पॉलिनोमियल, इससे आगे कोई और नाम नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर? फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक पॉलिनोमियल है, उसमें केवल एक ही टर्म है, तो मोनोमियल, मोनोमियल। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, ठीक है। वन टर्म मोनोमियल, टू टर्म बाइनोमियल, वेरी गुड। थ्री टर्म ट्राइनोमियल, वेरी गुड। फिर आ गया फोर टर्म, फोर टर्म में क्या होगा? पॉलिनोमियल। चार टर्म वाले को पॉलिनोमियल ही कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। ठीक है, सो ये याद रखना है। अब इससे आगे क्या होगा? फाइव टर्म, फाइव टर्म वाले को जनरली हम फिर पॉलिनोमियल ही कहते हैं, और कोई अलग से नेम नहीं है। ठीक है, फोर टर्म वाले को भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं, फिर आगे फिर पॉलिनोमियल ही चलते हैं, तीन तक ही स्पेशल नेम है। ठीक है, क्लियर? फोर टर्म वाले को एक और नाम दे सकते हैं, फोर वाले को क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? बढ़िया, वेरी गुड।
सो अब बढ़ते हैं आगे। आप टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग करने में मेरा ध्यान नहीं है, पढ़ा रहा हूँ मैं तो आराम से आपको। किच्छा के स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा, इंडिया के स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा, क्या पता आने वाले टाइम में। नाउ सो वेयर वर वी, आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट ऑल थिंग्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। अब हम एक चीज़ और समझते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये शायद फर्स्ट एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ जाए। और एक चीज़ और नहीं समझाई, कंसेप्ट कोफिशियंट का, व्हाट इज कोफिशियंट। जैसे 5x³ + x² - 9, यहाँ पर कोफिशियंट क्या है? तो यहाँ पर जैसे ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है जो मैंने अभी बोला कि कोफिशियंट क्या है। ऐसे आएगा कि x³ का कोफिशियंट क्या है, x³ का कोफिशियंट क्या है, क्या है? 5। व्हाट इज़ द कोफिशियंट ऑफ x² 1। व्हाट इज़ द कोफिशियंट ऑफ नथिंग, हो गए सारे, ठीक है। सो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा, जो मल्टीप्लाई में होता है वो कोफिशियंट होता है। अब बताओ -5x² - 4x + 4, एक्स का कोफिशियंट बताएंगी आप, बताइए ममता जी, माइनस। तो ये साइन कंसीडर करना भूल जाती है, ठीक है। अब की बार मैंने फील्ड सेट किया था फिर से, लेकिन इसने फाइन लेग के ऊपर से लगाया है सीधे 6 रन के लिए। नाउ सो दिस इज हाउ वी कैन एवेल्यूएट। याद रखना जो देख रहे हैं व्यूअर्स, माइनस का भी साइन का भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे एक्स का कोफिशिएंट पूछा है तो -4, मतलब कि बाय इट्सेल्फ ये पॉजिटिव होता है, और जब माइनस आएगा तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले हम ज़ीरोस को समझ लेते हैं, ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोस क्या होता है, ये माय हीरोस। तो ज़ीरोस जो होते हैं वो होते हैं कि पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है सुंदर सा प्यारा सा ax + b, ठीक है। इसमें इस पॉलिनोमियल में हमें ज़ीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला स्टेप जो हम करेंगे ज़ीरोस कैलकुलेट करने के लिए, इसको इक्वल रख देंगे ज़ीरो के, अगर आप ज़ीरोस कैलकुलेट कर रहे हैं, और फिर करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे x की। तो ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का भी शिफ्ट हो जाएगा, जुम 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 जुम, क्या हो जाएगा अब ये माइनस माइनस। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब a अभी मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में, बहुत बढ़िया। x की वैल्यू आ गई -b/a। तो -b/a एक ऐसी वैल्यू है, सोचो अगर मैं इसे ax + b में रख दूं, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे -b/a रख दूं, क्या होगा, क्या हाल होगा? a से कैंसिल आउट, कितना आ गया -b + b, कितना मिला, ज़ीरो, ठीक है। सो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं है कि न्यूमेरिकली वो ज़ीरो, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे फंक्शन को ज़ीरो बना दे। जैसे हमें दे रखा है 5x - 3 या 5x - 15। अब मान लो मैं x की जगह पर 3 रख दूँ, x की जगह पर 3, कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 - 15, कितना मिला, 0। तो x की वैल्यू 3 रखने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू द होल ऑफ द पॉलिनोमियल विल बिकम 0। समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, कौन सी बुक चाहिए, क्यों, दो हैं, हाँ तो एक ले लो, डरते क्यों। यस, सो अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 इन पॉलिनोमियल चैप्टर, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी ध्यान रखना है। एक चीज़ और अपना इंट्रोड्यूस करना भूल गए, वन वेरिएबल का मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल आ रहा हो, जैसे x आ रहा हो तो x ही चल रहा हो, y आ रहा हो तो y ही चल रहा हो, ठीक है। विच आर नॉट, तो पहला जैसे वो पूछ रहा है ये बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, पहला वाला। अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही तो है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, +2 + +1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बहुत बढ़िया,
ठीक है, बढ़िया है, एकदम ठीक, बहुत बढ़िया। नाउ सेकंड वन, y स्क्वायर प्लस रूट टू, इसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, रूट टू तो कॉन्स्टेंट है, y की पावर पॉजिटिव भी है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है। सो हट, यस, सो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बहुत बढ़िया। थर्ड वन, अच्छा आप लोग को कोई डाउट हो पूछो आराम से, ठीक है, रिकॉर्डिंग का कोई प्रेशर नहीं है, हम तो रैंडम जैसी वीडियो बनेगी वैसे ही डालेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है, व्यूअर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे व्यूअर्स। थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू, इसमें क्या होगा बताओ, थ्री रूट टी और टी रूट टू, सोचो क्या ये पॉलिनोमियल है? इसमें एक कंडीशन देखियो, थ्री की पावर रूट का मतलब कितना होता है पावर, वन अपॉन टू होना, वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए थी, इंटीजर होनी चाहिए थी, नॉन नेगेटिव इंटीजर, वन अपॉन टू इज एन इंटीजर, नो इट्स अ होल नंबर, यस, सो नॉट अ पॉलिनोमियल, समझ में आ गया, वेरी गुड, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब बढ़ते हैं आगे, फोर्थ वन, y प्लस टू अपॉन वाई, क्या ये पॉलिनोमियल है ममता जी? पॉलिनोमियल है, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने, हाँ y प्लस टू, वाई की पावर अभी अपॉन में वन है, शिफ्ट होगी तो माइनस वन हो जाएगी, तो फिर से नेगेटिव इंटीजर आ गया, पॉलिनोमियल की तो कंडीशन ही है कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉट अ पॉलिनोमियल, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ वन, एक्स टेन वाई थ्री टी फिफ्टी, वाह इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि एक वेरिएबल नहीं है, दे आर आस्किंग फॉर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स है ना, सो मल्टीपल वेरिएबल की वजह से ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो अब बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज 2.1 चल रही है, मैंने इरेज कर दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने नोट नहीं किया होगा, अब कोई टेंशन ही नहीं है, वीडियो मिल जाएगा, नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट उसमें से ले सकते हैं आप ना, अरे ये तो बहुत फ़ायदा होगा इससे, तो ऐसे सोचा जाए तो पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों कहेंगे ऐसे पढ़ाते हैं सर। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मिस्टर मंथन बताओ क्या आएगा, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, वन, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, सेकेंड वाले का हम नैना बताएगी, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, नैना बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वन माइनस वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस वन, लिख लेना आगे, मैं लैंग्वेज वैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख लेना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपने आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन, फाइव पॉइंट टू एक्स स्क्वायर, फाइव बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोफिशिएंट ऑफ फाइव बाई टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, फाइव बाई टू, ठीक है ना, वेरी गुड। नाउ फोर्थ वन, रूट टू एक्स माइनस वन, ये क्वेश्चन अगर दे दिया जाए किसी को, पूछो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो तो सोचता ही रह जाएगा यार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, जीरो, आप ऐसे समझ लो ना, इसमें जीरो एक्स स्क्वायर साथ में और ऐड हो रहा है, जीरो की कुछ वैल्यू थोड़ी है, ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हेयर जीरो, क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन इज, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें टू टर्म्स हो, ठीक है, दो टर्म टकरा, हमने लिख दी है पहले से, दो ही टर्म है ना, बाइनोमियल तो बन गया, लेकिन डिग्री 35 हो, डिग्री 35 कब होगी, जब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 35 हो, बन गई अब, डिग्री भी 35, बाइनोमियल भी है, वाजिब है। एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल सिंगल टर्म, एक्स लिख दिया हो गया, डिग्री 100, डिग्री 100 कैसे होगी, पावर चढ़ा दो, 100 चढ़ा दी पावर, डन। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाला कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, 5x क्यूब,
4x स्क्वायर 7x। तो इसमें बताइए डिग्री कितनी है, यहाँ पर डिग्री कितनी है पहले वाले में 3। पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, 4 माइनस वाई स्क्वायर कितनी है डिग्री 2। थर्ड वन 5t माइनस रूट 7 कितनी है डिग्री 1। टी की पावर तो 1 ही है ना, तो 1 है डिग्री, वेरी गुड। फोर्थ वन 3 कितनी है डिग्री, डिग्री 1 कैसे हो जाएगी, पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री, यहाँ पर 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिफ्थ वन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फिफ्थ क्वेश्चन का भी मैंने आपको बेसिक बता दिया था, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताइए फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसा है, ये क्वाड्रेटिक हुआ, डिग्री कितनी है 2, डिग्री 2, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2, तो ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। सेकेंड वन एक्स माइनस एक्स क्यूब कैसा हुआ, डिग्री कितनी है 3, तो डिग्री 3 में होगा क्यूबिक, वेरी गुड। फिर आता है थर्ड वन, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक। फिर 1 प्लस एक्स कैसा होगा, लीनियर, क्योंकि x की पावर 1 है तो लीनियर। फिफ्थ वन 3t लीनियर, t की पावर 1 चल रही है, समझ में आ रहा है ना ममता, वेरी गुड। सिक्स्थ वन आर स्क्वायर 2, ठीक है। नेक्स्ट वन सेवन एक्स क्यूब 3, तो 2 में क्वाड्रेटिक 3 में क्यूबिक। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी व्यूअर्स देख रहे थे स्टूडेंट्स, उनको ये एक्सरसाइज समझ में आई। तो फिर से एक बार मुलाकात होगी कल, थैंक यू, गॉड ब्लेस।